एक आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा, जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक स्टोन दिया और कहा, जा इस स्टोन का मूल्य पता करके आ, लेकिन ध्यान रखना, स्टोन को बेचना नहीं है। वह आदमी स्टोन को बाजार में एक संतरे वाले के पास लेकर गया और बोला, इसकी कीमत क्या है? संतरे वाला चमकीले स्टोन को देखकर बोला, 12 संतरे ले जा और मुझे दे जा। आगे एक सब्जी बेचने वाले ने चमकीले स्टोन को देखा और कहा, एक बोरी आलू ले जा और इस स्टोन को मेरे पास छोड़ जा। आगे एक सुनार बेचने वाले के पास गया, उसे स्टोन दिखाया। सुनार उस चमकीले स्टोन को देखकर बोला, 50 लाख में बेच दे। उसने मना कर दिया तो सुनार बोला, 2 करोड़ में दे दे, या पता इसकी कीमत, जो तू मांगेगा वह मैं तुझे दूंगा। उस आदमी ने सुनार से कहा, मेरे गुरुजी ने इसे बेचने से मना किया है। आगे हीरे बेचने वाले एक जौहरी के पास गया, उसे स्टोन दिखाया। जौहरी ने जब उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उसने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया, फिर उस बेशकीमती रूबी की परिक्रमा लगाई और माथा टेका। फिर जौहरी बोला, कहाँ से लाया है बेशकीमती रूबी? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये तो बहुत बेशकीमती है। वह आदमी हैरान परेशान होकर बुद्ध के पास गया, अपनी आप बीती बताई और बोला, अब बताओ भगवान, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? बुद्ध बोले, संतरे वाले को दिखाया, उसने इसकी कीमत 12 संतरे बताई। सब्जी वाले के पास गया, उसने इसकी कीमत 1 बोरी आलू बताई। आगे सुनार ने 2 करोड़ बताई और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया। अब ऐसा ही मानवीय मूल्य का है, तू बेशक हीरा है, लेकिन सामने वाला तेरी कीमत अपनी औकात, अपनी जानकारी, अपनी हैसियत से लगाएगा। घबराओ मत, दुनिया में तुझे पहचानने वाले लोग भी मिल जाएंगे।